हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो ये जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है मिनी समोसा। मिनी समोसा को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, ख़राब नहीं होता है। मिनी समोसा नमकीन के सारे ब्रांड्स में मिलता है और वो भी बहुत ही महंगे दामों में। तो आज हम उन्हीं सारे ब्रांड्स की तरह मिनी समोसा बनाना घर पर सीखेंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से अपने स्टाइल में। मतलब कि आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इस समोसे को बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस मिनी समोसा को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। मैदा आप अपने हिसाब से ले लें, आपको जितना लेना है। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हाथों से मसलते हुए क्रश करके हमें डालना है। उसके बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसके बाद थोड़ी सी रिफाइंड तेल, या फिर आप चाहें तो शुद्ध देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं मोयन के लिए। 2 चम्मच के करीब मैं इसमें तेल डाली हूँ और उसके बाद इसे अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका हार्ड डो तैयार करेंगे। इसका डो थोड़ा टाइट होना चाहिए, अगर सॉफ्ट डो होगा तो फिर समोसे अच्छे से बनेंगे नहीं। फिर इसको हम अभी गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए मैं यहाँ एक मिक्सचर का पैकेट ली हूँ। आप चाहें तो यहाँ आलू भुजिया भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी नमकीन पसंद हो आप उस नमकीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ जो नमकीन यूज़ कर रही हूँ इसके दाने थोड़े बड़े बड़े हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा मसल ले रही हूँ जिससे कि समोसे की फिलिंग करते हुए हमें दिक्कत ना आए। तो अगर आपके भी मिक्सचर इस तरह के हैं तो आप इसे अच्छे से तोड़ लीजिएगा। अब मैं इसमें ये मूंग दाल वाली नमकीन डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे डालें या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप अपने मर्जी के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये समोसे की फिलिंग तैयार करें। फिर इसको अब हम साइड कर देंगे और अब लेंगे एक कटोरी, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच के जितना मैदा। मैदे को हमें अच्छे से मिलाना है और इसे मिलाते हुए हमें इसका एक पेस्ट तैयार करना है। इस पेस्ट को हम ग्लू की तरह यूज़ करेंगे समोसे बनाने के लिए। अच्छा, ये जो समोसे की फिलिंग मैंने तैयार करके रखी है उस फिलिंग में मैं कुछ और भी ऐड कर रही हूँ, जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश और टूटे हुए थोड़े से काजू और बादाम। आप चाहें तो इसे ऐड करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें और भी कोई ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आटे को रेस्ट करते हुए लगभग 10-12 मिनट के करीब हो गया है, मतलब कि हमारा आटा तैयार हो गया है। तो इस आटे से हम छोटी छोटी लोई तैयार करेंगे। हमें लोई को छोटी छोटी ही तैयार करनी है क्योंकि समोसे हमारे छोटे छोटे होंगे। मतलब कि हम मिनी समोसा बनाने जा रहे हैं, ड्राई समोसा, तो हमें छोटी छोटी लोई तैयार करनी है। उसके बाद इस लोई को हम बेल लेंगे, थोड़ा लंबा बेलना है हमें, या फिर आप चाहें तो गोल भी बेल सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ी लंबी रोटी बेल कर तैयार कर रही हूँ, मतलब कि हमें ओवल साइज़ की रोटी तैयार करनी है। तो ये देखिए, सारी रोटियाँ बेल जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक के ऊपर एक सारी रोटियों को रखेंगे और जो सबसे नीचे हमने रोटी बनाई थी उस रोटी से हमें सबसे पहले समोसे बनाने हैं। तो अब एक एक रोटी को हम बीच से काटेंगे और उसके बाद इसके चारों तरफ हम इस तरह से इस ग्लू को लगा देंगे। जो आटे का ग्लू हमने तैयार किया था उस ग्लू को हमें इसमें लगा देना है। फिर समोसे का शेप देते हुए इसमें हम फिलिंग भरेंगे। अच्छा, मैं यहाँ मिनी समोसे के लिए मिक्सचर की फिलिंग तैयार की हूँ। आप चाहें तो मूंग दाल की भी फिलिंग तैयार कर सकते हैं और उससे भी ये मिनी समोसा बना सकते हैं। तो मसाले को फिल करने के बाद अब हमें इसे अच्छे से चारों तरफ से चिपका लेना है जिससे कि ये तेल में जाने के बाद खुल ना जाए। देखिए, यहाँ लगभग आधे से भी अधिक मैंने समोसे तैयार कर लिए हैं और अब कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा गर्म हो तभी हमें इसमें सारे समोसे डाल देना है और एकदम लो फ्लेम पर हमें इन समोसों को तलना है। मतलब कि एकदम आराम आराम से हमें इन समोसों को तलना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो समोसे क्रिस्पी नहीं होंगे और ज़्यादा टाइम तक चलेंगे भी नहीं। तो बस इसी तरह से अब हमें सारे समोसों को गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है और उसके बाद इसे हम रख देंगे एक दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के लिए हमें इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक छोड़ना होगा। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। देखिए, मेरे सारे समोसे तलकर तैयार हो गए हैं और ये अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। बस अब आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करिए और इसे एयर टाइट कंटेनर में पैक करके 1.5 से 2 महीने तक आराम से यूज कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे एक इसी तरह की किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।